हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं डू इट ब्लॉग्स। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि वीक में आपको जब छुट्टी मिलता होगा तो आप सोचते होंगे कि एक या दो दिन के लिए आप कहाँ जाएं, या फिर घूमने का ऐसा कौन सा प्लेस हो सकता है कि आपको एक या दो दिन में बहुत भरपूर मज़ा आ सकता है। सो ऐसा एक प्लेस लेके आज मैं आपके पास आज आया हूँ और उस प्लेस का नाम है मंदारमनी। सो मंदारमनी में आज मैं वन नाइट के लिए स्टे किया हूँ और यहाँ पे बहुत सा रिजॉर्ट और होटल्स है। नहाने के कारण गला थोड़ा बैठ गया है। सो यहाँ पे बहुत सारा होटल और रिजॉर्ट्स है, आपको यहाँ पे बहुत सारा होटल रिजॉर्ट मिल जाएगा, बट सिक्योरिटी कितना मिल सकता है इसका। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो यहाँ का बहुत बेहतरीन है, चारों ओर सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल है और यहाँ का जो स्टाफ का बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है। सो इस रिजॉर्ट का क्या नाम है, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, रिजॉर्ट का रूम्स कैसा है, अवेलेबल कैसा यहाँ पे, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल मिल जाता है, टाइमिंग का क्या प्रोसेस है, रूम अंदर से दिखने में कैसा होता है, सारा डिटेल्स आज मैं आपको दूंगा। रिजॉर्ट का नाम क्या है वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो रिजॉर्ट पे आज स्टे किया है वो उस रिजॉर्ट का नाम है ग्रैंड बीच रिजॉर्ट और ये मंदारमनी का बोल सकते हैं आप सबसे बड़ा रिजॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्पेस जो है बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी शाम हो गया है इसलिए आपको लग रहा होगा कि ठीक से सब कुछ नहीं दिखेगा, बट सुबह का वीडियो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि सुबह से शाम तक यहाँ का जो व्यू है वो कैसा लगता है। और चलिए अब अंदर से आपको रूम दिखाता हूँ कि यहाँ का रूम कैसा है। चलिए अब आपको अंदर से रूम दिखाते हैं। सही है हमारा एंट्रेंस गेट, यहाँ पे बहुत सुंदर एक वॉल पेंटिंग लगा हुआ है। एंट्रेंस गेट से ठीक आपको राइट हैंड में ही आपको बाथरूम दिख जाएगा। आपको पहले बाथरूम से स्टार्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा मिरर मिल जाता है और यहाँ पे एक बेसिन भी है और ये है हमारा बाथटब। बाथटब भी बहुत ऑसम है और ये है हमारा बाथरूम का स्पेस। बाथरूम जो है बहुत ही खूबसूरत बाथरूम है, मैं तो बाथरूम देख के फ्लैट हो गया था। और अब चलते हैं कि रूम का बेड और रूम के डेकोरेशन की तरफ कि वो कैसा है, चलिए वो अब देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना जो बाथरूम है ये कम्प्लीट हो गया, अब यहाँ से हम लोग रूम की तरफ एंट्री करते हैं। सो हम लोग का रूम जो है कुछ इस तरह का है, एक बड़ा सा आपको मिरर मिल जाता है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह है, अभी सामान बिखरा हुआ है और यहाँ पे आपको एक वॉल टीवी मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी का और आपको यहाँ पे कबर्ड बहुत खूबसूरत सा मिल जाएगा। अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये हम लोग का कबर्ड और ये है हम लोगों का रूम कुछ इस तरह का। जो यहाँ का मतलब खूबसूरती है ना, वो आप इस वीडियो से ज़्यादा आप अगर यहाँ पे विजिट करते हो तब आपको मिल जाएगा। अभी रूम बिखरा हुआ है बोल के अच्छा नहीं लग रहा है शायद, बट इसका जो खूबसूरती है ना, मैं जब पहले रूम में घुसा तब भी मुझे समझ में आया कि ये बहुत औसम रूम है, क्योंकि ये मंदारमनी का सबसे महंगा आप बोल सकते हैं कि रिजॉर्ट है। अब मैं आपको इसके प्राइस वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब आपको पहले लॉबी दिखा देता हूँ कि लॉबी हम लोग का कितना खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा लॉबी, लॉबी कुछ इस तरह का है और बाहर का जो लोकेशन है फ्रेंड्स, बाहर का लोकेशन कुछ इस तरह का है। आपको सुबह का भी वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा, आपको वहां दिखने को मिलेगा। ये है बाहर का लोकेशन, अरे ये हमारा होटल का नाम ग्रैंड बीच रिजॉर्ट। आई विश फ्रेंड्स यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, क्योंकि मंदारमनी का एक ग्रैंड बीच रिजॉर्ट है ही कुछ ऐसा। आप ये जो लाल रेड कलर्स के कॉटेजेस देख सकते हैं आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, इसका प्राइस और थोड़ा कम है। और यहाँ का जो खूबसूरती है ये है सुबह का कुछ व्यू, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को स्किप ना करते हुए आप फुल वीडियो एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। रूम तो हम लोगों का कुछ इस तरह का था फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा दिया। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ कि बाहर पे
ग्रैंड बीच होटल का जो डेकोरेशन है वो कैसा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल्स कितना है, आपको कितना से कितना टाइमिंग तक अवेलेबल सब कुछ मिल जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा, और प्राइस कितना है इस रूम को उसके बारे में भी अब नीचे चल के बात करते हैं। यहाँ से ग्रैंड बीच रिसोर्ट का जो खूबसूरती है वो कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल मिल जाएगा, ये इसका टाइमिंग है 12 से 3 बजे तक, ये पूरा जो है वो सब तरफ से इसका पानी गिरता है, और वो जो आपको फ्लोर दिख रहा है अभी यहाँ पे टेबल्स है और चेयर्स है, वहाँ पे वो डिस्को है, वहाँ पे आपको बॉक्स बजता है और पानी वहाँ से भी गिरता है, वो डांस फ्लोर है एक टाइप से आप बोल सकते हैं। और आइए जो है ये बच्चों लोगों के लिए है कि बच्चे यहाँ पे आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ का जो पानी का गहराई है वो भी बहुत कम है, और पानी जो है पूरा नीट क्लीन पानी है। आप देखिए एक बार, पानी यहाँ का जो है पूरा नीट और क्लीन पानी है, इस वजह से कोई भी दिक्कत है परेशानी वाली बात नहीं है कि रैश वगैरह कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट के साथ साथ आपको वहाँ पे छोटा छोटा कॉटेज भी दिख रहा होगा। ये जो है ये पूरा है डांस फ्लोर, ऊपर में दिखाने से आप समझ पाइएगा कि पूरा एक डांस फ्लोर ही है, पानी जो है गिरता है ऊपर से। दिखाइए, और छोटा छोटा कॉटेज जो है कुछ इस तरह का है, बहुत खूबसूरत देखने में है ये कॉटेज सारा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कि हम लोग बड़े स्विमिंग पूल में, क्योंकि यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल अवेलेबल है, एक ये और एक इसके ठीक पीछे है, तो चलिए अब आपको उस स्विमिंग पूल के पास लेकर चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था ग्रैंड बीच रिसोर्ट बहुत बड़ा है, अब चलिए। हम लोग जो है अभी दूसरे साइड पे आ चुके हैं, ये एक छोटा सा पार्क है बच्चे लोगों को खेलने के लिए, बच्चे लोग अभी यहाँ पे खेल भी रहे हैं, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं बैठकर, और यहाँ पे आपको कैफे भी अवेलेबल मिल जाता है बैठ के टाइम पास करने के लिए। और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स, कुकर से लेके ड्रिंक्स से लेके सब कुछ आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको बुक का स्टॉल दिखाते हैं, वो ये है फ्रेंड्स यहाँ का बुक का स्टॉल। अब आपको यहाँ का स्विमिंग पूल दिखाते हैं सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला स्विमिंग पूल है, बहुत ही ऑसम। आप यहाँ का पानी देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन पानी है यहाँ का। अब आइए आपको सामने से दिखाते हैं कि स्विमिंग पूल दिखने में कैसा है। स्विमिंग पूल कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ का ये सारा चीज़ देख के समझ ही सकते हैं कि ये जगह जो है कितना ऑसम है। आपको यहाँ भी कॉटेज अवेलेबल मिल जाएगा, इस साइड भी कॉटेज है, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स रूम का कोई भी परेशानी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ का प्राइस का।
सो यहाँ पे रूम्स जो है थोड़ा कॉस्टली आता है क्योंकि ये मंदारमनी का सबसे बड़ा रिजॉर्ट है। इस वजह से यहाँ का जो रूम थोड़ा कॉस्टली आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, प्राइस नहीं बता सकता, आप रिजॉर्ट पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। आई होप आप सब इस गलती को माफ़ कीजिएगा। आई एम सो सॉरी बट प्राइस बताना अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं किसी भी रूम का प्राइस आपको नहीं बता सकता। सो अगर आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि कोई मंदारमनी में आए और अगर उसको अच्छा जगह रहना है तो ये ग्रैंड बीच रिसोर्ट में वो जरूर ठहरे। सो इसी के साथ अभी बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।